ओके, तो फिर हम उंगलियां साथ इस वजह से नहीं ला सकते क्योंकि दरमियान में जो खाली जगह है यहाँ पर जो फैटी टिश्यू पड़ा हुआ है, जो एंडोपेल्विक फेशिया पड़ा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा थिक इन नेचर है। उसमें कॉलेजन फाइबर्स और मैट्रिक्स और इलास्टिक फाइबर्स सब बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वो आपस में उंगलियों को मिलने ही नहीं देता, यहाँ पर आकर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अब वो यहाँ पर क्यों थिकन है, यहाँ पर क्यों थिन है, यहाँ थिन क्यों है, तो मैंने बता दिया कि उन दोनों की डिस्टेंशन होनी है, ब्लैडर की भी और रेक्टम की भी। यहाँ पर क्यों थिक है, उसकी थिकनिंग की वजह ये है, हमारे पास यहाँ पर वो थिक होकर बनाता है बाकायदे तौर पर पूरी हाइपोगैस्ट्रिक शीथ। हमारे पास यहाँ पर इंटरनल आइलिक आर्टरी जब आती है, आपको पता है इंटरनल आइलिक आर्टरी इधर पोस्टीरियर वॉल में, जिस तरह मैंने आपको इंटरनल आइलिक आर्टरी की वीडियो में बताया कि उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है जिन्हें डिफरेंट विसरा को जाना है। अगर यहाँ पर फेशिया एक पूरी रोड प्रोवाइड नहीं करेगा, एक पूरे कंपार्टमेंट्स की फॉर्म में इन्हें रास्ता प्रोवाइड नहीं करेगा, तो कोई भी विसरा की एक्सपेंशन या डिस्टेंशन अगर होगी तो आर्टरीज के डैमेज होने का खतरा होता है, या फिर कोई भी एक्सटर्नल इंजरी बहुत जल्दी इनको डैमेज कर देती है। इस वजह से अल्लाह ताला ने इस जगह पर हमें बहुत थिकनिंग, एक जिस तरह सड़क नहीं होती, एक रोड होती है, रोड की तरह का पर हमें यहाँ या टनल्स की तरह हमारे पूरे रास्ते बने हुए हैं, जिन रास्तों के जरिए जितनी भी आर्टरीज यहाँ पर विसरा को सप्लाई करती हैं वो उस थिकनिंग ऑफ द फेशिया में से गुजर के पूरे रास्तों में से गुजर के फिर यहाँ पर पहुँच के सप्लाई करती हैं, कि उनकी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग सी बन जाती है। इसी वजह से दोनों उंगलियाँ आपकी यहाँ पर आके नहीं मिल सकती। अब हमारे पास ये जो यहाँ पर थिकनिंग है फेशिया की, उसके तीन लेमिना है, उसको हाइपोगैस्ट्रिक शीथ कहते हैं बेसिकली, जो यहाँ थिकनिंग बनी होती है, और उसके तीन लेमिना होते हैं, एक एंटीरियर, एक मिडल, एक पोस्टीरियर। मतलब ये कि वो तीन थिकनिंग्स, मेन थिकनिंग्स जो बनाता है उसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। जो उसका इंटीरियर लेमिना होता है, तो होता क्या है हमारे पास कि ये जो तीन लेमिना है हमारे पास, उनमें से जो इंटीरियर लेमिना है ये एक्चुअली आपका वो थिकनिंग है, जो उसे हम कह देते हैं कि इंटीरियर लिगामेंट ऑफ ब्लैडर, क्योंकि वो लैटरल पेल्विक वॉल से, मतलब यहाँ पर थिकनिंग ऑफ द एंडोपेल्विक फेशिया है जो ब्लैडर के साथ जाके अटैच होती है, और क्योंकि ब्लैडर के साथ जाके अटैच हो रही है तो ये रास्ता किसको प्रोवाइड करेगी, सुपीरियर वजाइकल आर्टरी को और वेन को। अब बोलते सुपीरियर वजाइकल आर्टरी जो इंटरनल आइलिक की एक ब्रांच है जो कि जाके वजाइकल यानी ब्लैडर को सप्लाई करती है, तो सुपीरियर वजाइकल आर्टरी का रास्ता बन जाता है। जो पोस्टीरियर लेमिना है उसका नाम क्या है, लैटरल लिगामेंट ऑफ द रेक्टम या फिर लैटरल रेक्टल लिगामेंट, क्योंकि वो सप्लाई कर रहे मिडल रेक्टल आर्टरी विच इज़ अ ब्रांच ऑफ इंटरनल आइलिक आर्टरी टू द रेक्टम। ठीक है जी, तो दो हो गए हमारे पास थिकनिंग, मैंने बता दी हाइपोगैस्ट्रिक शीथ या एंडोपेल्विक फेशिया की, एक इंटीरियर विच इज़ द लैटरल लिगामेंट ऑफ ब्लैडर, एक पोस्टीरियर विच इज़ द लैटरल लिगामेंट ऑफ रेक्टम। अब दरमियान में थी एक मिडल, मिडल क्या होती है मेल्स में, क्योंकि हमारे पास ना वजाइना यूट्रस टाइप कोई चीज़ नहीं है, तो मेल में आगे ब्लैडर और पीछे रेक्टम, इन दोनों को जंक्शन ज्वाइनिंग में एक थिकनिंग ऑफ द एंडोपेल्विक फेशिया बनती है इस तरह स्ट्रेट सी, उसे कह देते हैं रेक्टोवजाइकल सेप्टम। लेकिन क्योंकि इन चीज़ों को तो अपनी अपनी आर्टरीज मिल गई है, तो इसमें कोई खास चीज़ रन नहीं करती, कुछ ना कुछ करता होगा बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट। लेकिन फीमेल्स में, बिकॉज यहाँ पर वजाइना, इस जगह पर आई मीन वजाइना है, इन इसी जगह पर हमारे पास यूट्रस एंड एवरीथिंग है, और उसको यूट्राइन और वजाइनल आर्टरी ने आके सप्लाई करना है, तो उसके लिए क्या होगा हमारे पास कि साइड से जो यहाँ पर थिकनिंग बनेगी उसका नाम होता है बाकायदे तौर पर कार्डिनल लिगामेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कार्डिनल लिगामेंट पूछने, कार्डिनल लिगामेंट में यूट्राइन या वजाइनल आर्टरी रन करती है, इट इज़ सप्लाइंग द यूट्रस विच इज़ अ ब्रांच ऑफ द इंटरनल आइलिक आर्टरी। तो ये हमारे पास हो जाते हैं। और जो मेन सपोर्ट्स ऑफ द यूट्रस हैं, एक तो आपको पता है कि यूट्रस इज़ लाइंग ऐसे लेटा वो होता है ओवर द ब्लैडर, एक तो वो चीज़ इसका सपोर्ट है यूट्रस को देती है, और दूसरा ये लिगामेंट है जो मेन सपोर्ट देता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द पेल्विक फेशिया, एवरीथिंग है इसमें। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू।